हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सारे लोग? ओके, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 का सेकंड चैप्टर का हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं और आज हम पढ़ते हैं आइसोटॉप्स एंड आइसोबॉल। स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी डिस्कस पढ़ चुके हो ये सारे टर्म्स, 10th क्लास में भी आते हैं आपको, 9th में भी आते हैं, तो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक यू हैव फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स। तो आइसोटॉप्स एंड आइसोबॉल्स ये आइसोटॉप्स एंड आइसोबॉल्स क्या होते हैं? आइसो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है सेम? एंड टॉप्स एंड बॉल्स का आप देखते हैं क्या होता है इसमें। आइसो मतलब सेम, तो यहां सेम क्या होगा? यहां क्या है? टॉप्स है, तो टॉप वाली चीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। इतना याद रखना, टॉप वाली चीज क्या होगी? डिफरेंट होगी, एक तरीके से डिफरेंट। ठीक है, क्या होगा? डिफरेंट होगा। और टॉप पे क्या होता है? अब हम कैप, जब भी हम किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस इस तरीके से रिप्रेजेंट, एक्स यहां पर हम ए लिखते हैं, यहां पर हम जेड लिखते हैं। सो यहां पे ए, यहां पे जेड। ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास? टॉप में है, तो टॉप में क्या होता है? एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। और नीचे होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एक्स होता है सिंबल ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, तो टॉप वाली चीज क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसका मतलब डिफरेंट एटॉमिक मास, और सेम क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो हाउ वी कैन डिफाइन आइसोटॉप्स? दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम, क्या होंगे? दोज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर नोन एज आइसोटॉप्स। क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 2 and 3। इसका होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है प्रोटियम। इसका होता है ड्यूटेरियम, इसका होता है ट्राइटेरियम। मतलब क्या है? हाइड्रोजन के यहाँ पर ऊपर हमारे पास टॉप वाले में यहाँ का 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। इसका मतलब एटॉमिक मास सबका क्या है? डिफरेंट है, बट एटॉमिक नंबर सबका क्या है? सेम है। क्लियर? जैसे कार्बन के हैं, कार्बन का आपने पढ़ा होगा C6H12, C6S13 और C6S14। ठीक है, C6, और हमारे पास मास कितना उसका? 12 है या 13 है या 14 है। तो यहां भी हम मोस्टली कार्बन के जो आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के आइसोटॉप्स। क्लियर? ऐसे नाइट्रोजन के N17 और 14 N17 और 15। क्लियर? ये क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन, 2 आइसोटॉप्स होते हैं नाइट्रोजन। ऐसे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था डोबर एंड सिक्स, उसने आइडेंटिफाई किया था कि फोटोसिंथेसिस कौन सा कार्बन होता है, C8 ऑक्सीजन 8, और यहाँ कितना होगा? 16, यहाँ ऑक्सीजन 18 और यहाँ होगा 8। क्लियर? तो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को आइडेंटिफाई किया था कि जो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसमें CO2 और वाटर के जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ग्लूकोज मिलता है, और वहां से ग्लूकोज जो हमारे पास ऑक्टेन और ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो एक्चुअल वो रिलीज कहां से हो रही है? या तो वाटर से रिलीज हो रही है, CO2 से रिलीज हो रही है। तो उस टाइम उन्होंने एक दोनों आइसोटॉप्स लिए थे, एक हमने ये हमारे पास 16 वाला आइसोटॉप्स ले लिया, एक हमने 18 वाला आइसोटॉप्स ले लिया। दोनों आइसोटॉप्स को यूटिलाइज किया, फिर हमें आइडेंटिफाइड हुआ। क्लियर? तो ये सारे क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ
हमारे डिफरेंट हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गए, ये सारे क्या है? आइसोटोप्स। नेक्स्ट है आइसोबार्स। यहां से जस्ट इसका अपोजिट है आइसोबार, मतलब एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा, बट एटॉमिक मास क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? एटॉमिक मास सेम होगा। क्लियर? तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्या है इसके आइसो, हमारे पास क्या है आइसोबार की? तो आइसोबार को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे? दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे? दोज हैव विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, तो एक्चुअल में है क्या कि हमारे पास आपने 20 तक एटॉमिक नंबर्स हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं, और 20 तक हमने जब पढ़े हैं तो उसमें क्या क्या है? आर्गन एंड कैल्शियम, ये दोनों आपने सबने पढ़े हो। यहाँ पे आर्गन का भी हम कितने लिखते हैं? 40, और कैल्शियम का भी कितने लिखते हैं? 40, बट एटॉमिक नंबर आर्गन का कितना है? 18 है, और इसका कितना है? 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट एटॉमिक मास था जो वो क्या है? सेम। एटॉमिक मास क्या है? सेम। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आइसोबार्स एंड आइसो टॉप्स के बारे में हम डिस्कस कर दिया, एंड आइसोटोन्स, आइसोटोन्स भी होते हैं, आइसोटोन्स ये होते हैं जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो, क्लियर? तो ये क्या है? आइसोटोन्स। तो ये सारे डेफिनेशंस थे, आपने इजीली, आपको पहले से भी आती हुई कुछ और कुछ आपको समझ आ चुकी है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई थिंक ऑल ऑफ यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।